एक बार फिर से वही हुआ जिसके होने की अभी हाल ही में हमने उम्मीद जताई थी। जी हाँ, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यही हुआ है कांग्रेस की बैठकों का जो हाल हुआ है, जो निष्कर्ष निकला है उसका यही मतलब है। क्या मतलब निकला इतनी बड़ी बड़ी बैठकें करने का, इतना हवा बना देने का कि अब तो कुछ होगा, लेकिन नहीं जनाब, फिर से वहीं पर आकर धुर्री अटक गई है और अभी भी वहीं के वहीं खड़ी है कांग्रेस कि क्या सचिन पायलट पर वो कभी कुछ फैसला ले पाएगी या नहीं, क्योंकि महज चुनावों में बहुत कम समय बचा है और अभी तक आला कमान निर्णय लेने में असफल साबित हो रही है। राम भरोसे चल रही है कांग्रेस की गाड़ी। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में हमने डिबेट की थी, उसमें मैंने आपसे आशंका भी जताई थी कि क्या एक बार फिर से ये बैठकों का दौर एक फुसकी बॉम्ब निकलेगा, और वही साबित हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी बैठकें करने का मतलब ही क्या निकला कि जब निष्कर्ष वो सबके सामने आके ये कह देते हैं कि हम एकजुट हैं, एक साथ काम करेंगे। कहाँ गई वो तीनों मांगों पर जो हम चर्चा कर रहे थे कि वो तीन मांगे मानी जाएंगी, कहाँ गई वो सचिन पायलट को सम्मान और वो पद देने की बातें? क्या है आपकी राय? देखिए, कुंभकर्ण को देखकर कोई कहे कि ये अब सोएगा, वैसा ही कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस की अधिकतर बैठकों में यही रवैया अपनाया जाता है, ढाक के तीन बात हो जाती है, और वही इसके साथ भी हुआ। तो ये बहुत ही ऑब्वियस वाली चीज थी कि ये हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात को कांग्रेस समझ नहीं रही, वो बात कांग्रेस को अंदर खाते ऐसे खाएगी जिस तरह से दीमक पूरे के पूरे पेड़ को अंदर से खा जाता है। और वो ये चीज नहीं समझ रहे कि सचिन पायलट को सम्मान देना सचिन पायलट के लिए जरूरी नहीं है, वो जरूरी कांग्रेस के लिए है, क्योंकि सचिन पायलट के पास लोकप्रियता है, कार्यकर्ता है, जनता है और तमाम सारे युवा है। इस बात को वो नहीं समझ रहे। अब सचिन पायलट अपने शिष्टाचार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के प्रति वफादारी, अपने बड़प्पन वाले स्वभाव की वजह से फिर से हो सकता है मान गए हो, और एकजुटता का जो संदेश देने की कोशिश की है उन्होंने भारी मन से हाँ कर दी हो। लेकिन समझने वाली बात यह है, इस बैठक को गौर से देखेंगे अगर, तो इस बैठक में सचिन पायलट के समर्थक ना के बराबर थे। सचिन पायलट के समर्थक नहीं थे, सचिन पायलट के समर्थन में आपने बात नहीं की। ऐसे में वो तमाम विधायक जो सचिन पायलट को पसंद करते हैं, उन्हें चाहते हैं, वो तमाम कार्यकर्ता जो आपके लिए घर घर वोट लेने जाने वाले हैं, वो तमाम सारी जनता जो सचिन पायलट पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वो आपको वोट कैसे देगी? सचिन पायलट कुछ बोले या ना बोले उस पर निर्भर नहीं करता, उनको अपनी खुली नंगी आंखों से ये दिख रहा है कि आपने इतना कुछ होने के बाद भी अपने उस नेता को सम्मान नहीं दिया जिन्होंने आपको राजस्थान जिता के दिया। तो फिर आप जब वो नहीं कर पाए, आप जनता का काम कैसे कर पाएंगे, तो वो आपको वोट क्यों देंगे? ये समझने वाली बात है। और दूसरी समझने वाली बात ये है कि किसी को सम्मान नहीं देना, उसकी बातें नहीं मानने से हो सकता है ऊपरी मन से, अपने परवरिश की वजह से, अपनी बड़ों के आदर करने की परवरिश की वजह से उन्होंने हाँ तो कर दी हो, लेकिन मन से अगर वो कैंपेन नहीं करेंगे तो किस तरह से कांग्रेस को वो रिजल्ट्स लेकिन मिलेंगे? सबसे बड़ा आप देखिए ना, सवाल ही यहाँ पर कांग्रेस की इमेज पर एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि जो सरकार निर्णय नहीं ले सकती, जो आला कमान 4.5 साल बीत जाने के बावजूद निर्णय नहीं ले पाई है, इतने बवंडर उनकी सरकार ने कर दिए, कोई फैसला लेने लायक आप नहीं रहे हैं, तो जनता आप पर भरोसा करके फिर से अपने 5 साल क्यों देगी? चेतना, ये पूरी तरह से साफ है कि इमेज के नाम पर जो कांग्रेस ने बनाया है वो निर्णयहीन आलाकमान है। वो ये इमेज बन चुकी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुपर आलाकमान हो चुके हैं। वो जो कहते हैं वही होता है, चाहे वो फिजिकल तौर पे मैं मौजूद ना हो, वो वर्चुअली आए हो, लेकिन वो जो चाहते हैं वही होता है। मीटिंग में सबसे ज्यादा उनके लोगों का दबदबा होता है, सचिन पायलट के लोग भी लोग ही ना के बराबर होते हैं, केवल वही होते हैं। तो इस तरीके से साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत ही सुपर आलाकमान है, ये कहने में अब कोई भी किसी भी किस्म की अतिशयोक्ति नहीं है।
आज की वेणुगोपाल की जो प्रेस ब्रीफिंग है उसको ठीक ढंग से हम एनालाइज करें, देखें, समझें, तो ये समझ में आता है कि 9वीं बार जो कहा था आज 10वीं बार भी वही कह दिया कि हम सब लोग एकजुट हैं। सचिन पायलट की मांगों की बात आई तो जो कल ट्वीट किए थे दो मुख्यमंत्री ने, उन्हीं ट्वीट को वापस रिपोर्ट कर दिया कि हमने जो पेपर लीक के आरोपी होंगे उनके लिए अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद कर दिया है। पहला तो काम हमने ये कर दिया और दूसरा काम हमने ये कर दिया कि आरपीएससी में अब एंट्री कैसे होगी उसके लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना दी है। तो ये तो कानून बनाने वाली बात हुई, अगर कानून बनाने पर ही कुछ हो जाता तो फिर राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ इतने क्राइम नहीं होते, क्योंकि कानून तो उसमें भी बड़े बड़े बने हुए हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जो सचिन पायलट की प्राइम मांग थी वो ये थी, वसुंधरा राजे काल में जो भ्रष्टाचार की बातें हुई है उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। दूसरी ये थी जो पेपर लीक के पीड़ित हैं उनको मुआवजा दो, मुआवजे की कहीं बात ही नहीं हो रही है। और साफ साफ वेणुगोपाल ने ये कहा है कि हमारी जो स्कीम्स है राजस्थान की वो गरीबों के लिए बहुत कल्याणकारी स्कीम्स है, इसलिए हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे राजस्थान और हम सब एकजुटता से लड़ेंगे। अरे एकजुटता से लड़ भी लिए आप तो बाहर देखने वाले लोग तो यही कहेंगे कि भाई वो सचिन पायलट जो पिछली बार जिता कर लाए थे उन्होंने आपने पार्टी के अंदर जो मांग की वो भी आप नहीं मान रहे, तो आप जनता की मांगे तो क्या ही मान लेंगे। और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जितनी उम्मीदें इस बैठक से बंध गई थी अब उन सभी की, चाहे से वो सचिन पायलट की हो या उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं की हो या फिर जनता की हो, उन सबके जले पे अब नमक सा छिड़क गया। उम्मीदें बंधना मुझे नहीं समझ में आता किसकी उम्मीदें बंधी, क्योंकि कांग्रेस से निर्णय की उम्मीद किसको है? कांग्रेस कभी निर्णय लेती ही नहीं है। किसको उम्मीद है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री गहलोत के जो चाहते हैं उसके खिलाफ कुछ निर्णय ले सकती है? क्या उनके पास वो रीढ़ की हड्डी है? दबे कुचले स्वर में आप ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ता से भी पूछेंगे वो भी मना कर देंगे नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी पता है कि कांग्रेस की अलगमान निर्णय नहीं ले सकती। छत्तीसगढ़ में भी जो उन्होंने निर्णय लिया जिसकी बात हो रही है वो निर्णय है टीएस देव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का। कौन होता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोस्ट ही नहीं है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, ये सिर्फ एक झुंझुना है जो पकड़ाया जाता है। अकेला डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट 4 महीने पहले इलेक्शंस के कुछ भी नहीं है, ये उस तरह की वो है जो आपको एक सम्मान रूपक एक पदक पकड़ा दिया, आप काम कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास कुछ बड़ी मिनिस्ट्रीज नहीं है। There is nothing। और देखिए काम करना होता है तो वो सचिन पायलट तो बिना पद के भी इतना काम कर रहे हैं, जनता के लिए आवाजें पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं, खुद के लिए भी नहीं सोच रहे हैं। दिक्कत यही है चेतना कि बिना पद के जो सचिन पायलट का कद है वो आलाकमान के समझ में आ नहीं रहा, या तो फिर कुछ अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी कुछ इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री कहें या मजबूरी कहें या जो भी कहें वो ऐसी है कि कभी भी वो जो चाहते हैं उससे ज्यादा या उससे कम वो निर्णय ले ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। और आप दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ तो ये सरकार है जो निर्णय लेने में बिल्कुल असफल हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है, वहां आप देखिए तुरंत फैसले किए जाते हैं, फिर चाहे से आप अगर केंद्रीय तौर पर भी देखेंगे, आप पूरे आप केंद्र की तरफ से देखेंगे तो 370 जैसे, और अब जो सिविल यूनिफॉर्म जो गवर्नमेंट फैसले भी लेते हैं और साथ साथ संगठनात्मक फैसले भी, आप देखिए प्लस पॉइंट फैसले देखिए, आपने कल 3-4 राज्यों के बीजेपी चीफ बदल दिए, सुनील झाकड़ को बीजेपी चीफ ले आए, एकदम से फैसला करते हैं और फैसला मानना होता है। गुजरात आपको याद होगा रातों रात मुख्यमंत्री बदल गया वहां का, तो इस तरह से वो होता है। और चू से चा भी नहीं हुई पार्टी के अंदर, ये होती है आलाकमान। जी बगावत तो बहुत दूर की बात है, हालांकि केसी वेणुगोपाल ने फिर से एक बार मुख्यमंत्री गहलोत ने जो किसी सभा में कहा था उसको री अनाउंस किया है, यानी कि वही हो रहा है जो मुख्यमंत्री गहलोत चाह रहे हैं। कहा है उन्होंने कि टिकट्स जो बांटेंगे वो विनेबिलिटी के आधार पे बांटेंगे, सर्वेस कराए जा रहे हैं उनके आधार पे बांटेंगे, ये तो रटी रटाई लाइन होती है। लेकिन जो लाइन महत्वपूर्ण थी वो ये जो मुख्यमंत्री ने पहले बोल दी थी, उन्होंने दोहराई है कि सितंबर शुरुआत से ही टिकट्स का बंटवारा हो जाएगा। अब ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में कांग्रेस को डालने वाली बात हो रही है। एक तरफ आप पायलट को नाराज कर रहे हैं,
दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सितंबर की शुरुआत में टिकट्स का बंटवारा हो जाएगा, यानी कि बगावत की सूर पहले से दिख जाएंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि आप अपने आप की जड़ें खत्म करने की जो रास्ते हैं उस पर बहुत तेजी से चल पड़े हैं, और कहीं ना कहीं अब ये निर्णय जो लिया गया था है, बार बार आप देखिए एकजुटता कितनी है, उसकी सच्चाई कितनी है। एकजुटता नहीं है, निर्णय नहीं है, ये दो चीजें तो समझ में आ ही रही है, लेकिन एक बड़ी चीज जो साफ तौर पे क्लियर हो जा रही है, और ये आखिरी मौका था उस आरोप से आरोप मुक्त होने का कांग्रेस का, वो उन्होंने खो दिया है, कि कांग्रेस से ज्यादा, कांग्रेस से बड़ी कोई भी युवा विरोधी पार्टी नहीं है। जी बिल्कुल, ये पुरजोर तरीके से इन एंड आउट युवा विरोधी है, ना पार्टी के अंदर के युवाओं को तवज्जो देते हैं, ना ही पार्टी के बाहर सरकार बन जाने के बाद युवाओं को तवज्जो देते हैं, इसीलिए बेरोजगारी से लेकर बाकी सब चीजों से जो पीड़ित सबसे ज्यादा हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं युवा ही हो रहे हैं। पेपर लीक का पीड़ित कौन? युवा। बेरोजगारी का पीड़ित कौन? युवा। हर जगह जो पीड़ित हो रहे हैं वो युवा ही हो रहे हैं। इससे साफ समझ में आता है इन एंड आउट कांग्रेस सरकार पूरी तरह से, कांग्रेस संगठन, कांग्रेस सरकार, ये सभी, इनकी विचारधारा की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से युवा विरोधी हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के युवाओं को जिस तरीके से खत्म किया, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जतिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, और अब सचिन पायलट इसके शिकार हो रहे हैं, ये पूरी तरह से युवा विरोधी पार्टी है। आप देखिए 72 साल से ऊपर के मुख्यमंत्री गहलोत हो चुके हैं, और आप AICC के नव निर्वाचित जो चीफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी उम्र का अंदाजा आप उन्हें देख के लगा सकते हैं। अभी भी पूरी पार्टी में चल सिर्फ सोनिया गांधी की रही है, उनकी उम्र का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो यहां उम्र दराजों की पार्टी है, केवल और केवल यहां युवाओं को कोई जगह नहीं है। देखिए उम्र के साथ अनुभव होता है, ये सभी को पता है, लेकिन आज युवा भी कम नहीं है। युवाओं को इस अनुभव के साथ अगर जोड़ लिया जाएगा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकल कर सामने। आप अनुभव की बात कर रहे हैं, मैं आपको साफ और सीधे शब्दों में एक बात कहता हूं कि युवा ने बड़प्पन रखा राजस्थान में, युवा ने बड़े से बड़े आरोप पर भी कुछ नहीं बोला, पार्टी के प्रति निष्ठा भी दिखाई। नाकारा किसने बोला? निकम्मा किसने बोला? युवा ने बोला। क्या बड़प्पन कहां था? गद्दार किसने बोला? पार्टी ने जब बना कर दिया। एक और बात वेणुगोपाल ने कही कि अब स्ट्रिक्टली पार्टी की बात पार्टी के अंदर ही की जाएगी, पार्टी के बाहर कोई नहीं करेगा, अगर कोई मनमुटाव होगा तो। तो 25 सितंबर के मनमुटाव पर आपने क्या किया अभी तक? इस बैठक में क्या कर लिया आपने? हालांकि ये जरूर किया कि आपने शांति धारीवाल को बुलाया नहीं, आपने महेश जोशी को बुलाया नहीं बैठक में, ये जरूर किया आपने, लेकिन बुलाने नहीं के अलावा आपने 25 सितंबर की बैठक पर क्या एक्शन किया? जी बिल्कुल, और बार बार इतने बड़े लेवल पर बैठक करने के बाद एक ही निर्णय सुनाना, सबके सामने आके एकजुटता का संदेश देना, बार बार यही बात करेंगे तो जनता को भी समझ में आता है कि आप उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिवाली का वो पटाखा होते जा रहे हैं जिसको जलाने का प्रयास बार बार करते रहो फिर भी वो फुस हो जाता है, उस तरह का ये पटाखा होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको साफ और सीधी बात बताऊं कि बचपन में जो आपने कहानी सुनी थी कि बार 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 ये चिल्लाने से कि शेर आया, अंत में लोग आपको तवज्जो देना ही बंद कर देते हैं। सच में भी शेर आ जाए तो बाहर आके देखते नहीं है, कहीं यही कांग्रेस के साथ ना हो जाए। बार बार बैठक में अब कुछ निर्णय होगा, अब कुछ बोलेंगे, लेकिन बार बार ढाक के तीन पार हो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस को लोग सीरियसली लेना बंद ना कर दे, इस बारे में कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ युवाओं को तवज्जो नहीं है, काम करने वालों को तवज्जो नहीं है, जनता जिसको चाहती है उसको तवज्जो नहीं है, जो लोकप्रिय है उसको तवज्जो नहीं है, जो कहीं ना कहीं जनता के भरोसे में है उसको तवज्जो नहीं है, जिसके पास कार्यकर्ता है उसको तवज्जो नहीं है। तवज्जो किसको है ये जानने के लिए, सोचने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही जवाब आता है कि जो बहुत ज्यादा उम्र में पहुंच गए हों, जो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के विश्वास में हो, इन्हीं लोगों को तवज्जो है, उसके लिए और किसी मेरिट की जरूरत नहीं होती। एक किस्सा बहुत मशहूर है एक पूर्व सीएम का,
जिस किस्से को भी मैं आज कोट करना चाहता हूं कि जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पूर्व सीएम हुआ करते थे, उनके बारे में सियासी गलियारों के बड़े बूढ़े एक ही बात कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी के गेट के बाहर खड़े होकर एक साल तक हर रोज जब वो बाहर निकलती थी सिर्फ नमस्ते करते रहते थे और उनको सिर्फ इस नमस्ते की वजह से मुख्यमंत्री बना दिया गया था। यही यही कांग्रेस में चलता है और यही हो रहा है। देखिए, पार्टी में अगर आपको बनाए रखना है युवाओं का साथ तो आपको निर्णय लेना चाहिए था। ये बहुत ही बड़ी गलती कांग्रेस ने कर दी है। एक बार फिर से उसकी इमेज धुंधली हो गई है। बहुत सी उम्मीदों पर एक बार फिर से कांग्रेस ने पानी फेर दिया है और इसका परिणाम उन्हें जरूर भुगतना होगा आगामी विधानसभा चुनावों में। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो, फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की, अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का। याद रखिए नाम।